How is the Josh guys? Higher! How is the Josh guys? Higher! So guys, everyone will follow me, okay? वेरी गुड मॉर्निंग यो पहाड़ी, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। रूम से निकलते बाहर सब लोग कर रहे अपनी तैयारी। आज मौसम है कुछ ऐसा, इस पहाड़ के पार जाना है आज, और इस तरीके से होती है व्यवस्था। पानी गर्म होता है और नियम होते हैं कुछ, जो पानी निकालेगा वो पानी भरेगा ताकि औरों को भी पानी मिल सके गर्म। ऐसा होता है टाइम टेबल कैंप्स का। अभी हमें खाती कैंप में TRC खाती में जो KMVN चलाती है, पानी ऐसे आता है नॉन स्टॉप, क्योंकि ये धारा का होता है। हमारे रणबांकरे, ये देखिए, ये सारा लगेज ले जाएंगे ये, और अभी हल्की हल्की पीक्स दिखने लगी हैं। अभी यहाँ से तो नहीं दिख रही, आगे से दिखाऊंगा। सुबह का बजा है 7:15। ये है किचन में नाश्ते की तैयारी। हाँ भाई, करो करो तैयारी करो, शाबाश। ये बहुत स्मार्ट है, पर अभी कम स्मार्ट लग रहा है। हाँ, ऐसे बताना ठीक है ना, सही रहता है ना ऐसे। तो ये चल रही तैयारी, हमारे कप्तान साहब भी अपने सेक रहे हैं हाथ पाँव। ये है इंचार्ज साहब हमारे तारदा, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है तारदा का। तो आप कभी भी आए तो यहाँ पर तारा जी से मिल सकते हैं, उनका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी सेवा करते हैं। हाँ, वो मैं बोल लूँगा, लाइक कमेंट शेयर तो कर दीजिएगा प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट। Let's get up, guys. Tea time. On. आज गुड मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में है छोले पूरी और अंडे हैं, और क्या है, बोर्नविटा कॉफी है, इसमें चाय है, इसमें दूध है। तो ये खाकर एनर्जी लेकर अभी सब लोग खा रहे हैं, फिर सब हम निकल जाएंगे इस पहाड़ी के पार। यो पहाड़ी, तो आज की चढ़ाई है जोतोली टॉप तक। जोतोली जाएंगे, जोतोली टॉप कल जाएंगे, तो साथ में जुड़े रहिए और साथ बने रहिए। हमारा ग्रुप निकल चुका है यहाँ से, इस तरीके से ये रहेगा रास्ता, फिर नीचे का रास्ता मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। हाँ, ये है खाती कैंप। खाती कैंप से आज हमारा तीसरा दिन है। हाँ, हमारे क्या कर रहे हैं ये उस्ताद, चार लगेज हो रहा लोड। चलिए सब लोग अपना सामान चेक कर लीजिए, तो इस तरीके से हम निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते पे। यो पहाड़ी, तो आज ये पहाड़ी, इस पहाड़ी से उस पहाड़ी जा रहा है। तो आज का जो ट्रैक है वो 12 किलोमीटर के समथिंग रहेगा। तो अभी हम क्या अपने खाती बेस कैंप को पीछे छोड़ चुके हैं, अब इस बेस कैंप से हम जाएंगे जोतोली बेस कैंप, जहाँ आज हमारा स्टे होट रहेगा। और अभी यहाँ से 3 किलोमीटर चलने के बाद एक नदी पड़ेगी, उस नदी को हम क्रॉस करके फिर एक थोड़ी स्टीफ चढ़ाई है उसको कम्प्लीट करना है। तो साथ में बने रहिए, और आज ठंडा बहुत पड़ गया है, और यहाँ से अगर हम देखें पीक को तो वहाँ भी बादल बहुत दिख रहे हैं, तो बादल दिखना कोई अच्छा साइन नहीं है। तो ये टेंशन हो रही है कि मौसम ख़राब ना हो, मौसम ख़राब हो गया तो टेम्परेचर से लेके विंड सबकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साथ में जुड़े रहिए। जो पहाड़ी, जो भी अपने ऊपर रास्ता छोड़ा है वो पिंडारी ले जाता है। और ये है मैप,
और ये हम चल पड़े हैं गांव के बीच से। चलिए चलिए, यार ये गंगोत्री मैडम ने परेशान तो नहीं किया ज्यादा? यार मैडम तो इतनी बढ़िया थी, हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। नहीं नहीं, वो सुनने में आ रहा था कि यार एक लड़की बहुत देर कर रही है, दो दो घंटे मेकअप में लगा रही है। वो तो सुबह उठ जा रही थी, 3 बजे से ही रेडी हो जा रही थी। अच्छा, मेकअप के टाइम सुबह कवर कर ले रही। अब यहाँ से नदी दिखने लग गई है, नदी जाकर फिर हम वहाँ से पुल क्रॉस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। दो चीज़ों में बड़ी हालत ख़राब होती है, एक बहुत तीखी ढलान और एक बहुत ऊंची चढ़ाई, दोनों में जांघें और टांगे जवाब दे देती है। तो अब हमें एक पुल मिल गया है जिसे हमें क्रॉस करना है, फिर हमारी थोड़ी देर बाद चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो लिंगड़ाई है, आगे और चढ़ाई है। चलो यो पहाड़ी, साथ में जुड़े रहिए, इंजॉय करिए और सफ़र को याद रखिए और ज़रूर कभी आना। बाकी लोग पीछे आ रहे हैं, थोड़ा फोटो सेशन भी जरूरी है, वरना कैसे पता लगेगा, कहीं से पता लगेगा वो यहाँ आए थे? तो हम तो वीडियो में दिखा देंगे, फोटो तो मैं खिंचा नहीं रहा हूँ, कोई खींचने वाला ही नहीं है। अपना कैमरा निकालो तो सब अपना कैमरा निकाल ले रहे हैं, तो इसलिए हम खिंचा नहीं रहे। नीचे नदी है सरयू, और ये देखिए बढ़िया नदी आ रही है। ये पुल क्रॉस कर दिया है, उस पुल को क्रॉस किया, अब होगी चढ़ाई स्टार्ट। साथ में जुड़े रहिए, इंजॉय करिए। यो पहाड़ी और पुल पर ना कभी एक साथ नहीं चलना, क्योंकि पुल ऐसे ऐसे होता है, तो आराम से चलना, सेफ चलना। ये नदी के पुल के ऊपर अभी भी फोटो सेशन चल रहा है ये, और ये जगह का नाम है लेबगड़। लेबगड़ में ये रास्ता पकड़ा, पहुंच गए हम नदी के किनारे और सब लोग यहाँ पर भी फोटो सेशन करेंगे। ये हमारे भूटान के दोस्त और हमारे इमरान भाई, ये देखिए। ओहो, मैं भी जाके फोटो सेशन करता हूँ। मैं भी उतर गया हूँ मैदान में, मगर समझ नहीं आ रहा मेरी फ़ोटो खींचेगा कौन, तो मैं ब्लॉग ही बना लेता हूँ और थोड़ा आपके बारे में उसके बारे में बता भी देता हूँ। आवाज़ आ रही होगी मुझे। ये जो नदी है, ये नदी है सुंदर ढूंगा रिवर, और जो पुल से आपने नीचे देखी थी वो थी पिंडर, वो तो दोनों आगे मिलकर फिर सरयू साइड बन जाती है, बागेश्वर साइड भी जाती है। और ऊपर नीचे अगर कोई मेरी इन्फॉर्मेशन में हो जाए तो नीचे भर भर के कुछ लिख मत देना, अच्छा लिखना, मैं जानकारी जुटा लेता हूँ जैसे भी जुटा। मुख हाथ धो लेने पर किसी को देखता हूँ कोई फोटो खींचना है। यो पहाड़ी, एक और पुल पार कर रहे हैं हम, और पीछे वाला पुल पार किया, नदी में फोटो शोटो खिंचाई, मैंने नहीं इन लोगों ने, ग्रुप वालों ने। और अब हम इस पुल को पार करके अब आगे है चढ़ाई का सिस्टम, वो पार करनी है। और रास्ते मिलेंगे पवनदा और गंगोत्री मैडम, वो अपने ग्रुप को वापस ला रहे हैं, तो अच्छी अच्छी सी फीलिंग हो रही है, तभी बात कर रहा था वॉकिंग में। तो जुड़े रहिए साथ में, जो पहाड़ी इंजॉय करिए, आइए कभी पहाड़ की ओर। ये इधर हमने पुल से ये रास्ता पार कर लिया है, अब हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, अब इन पहाड़ों के और पास जाते रहेंगे। जय हो, धक्कले लगन लग गई यार। सुंदर शीतल जल पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के मेन के अभी दो ग्रुप थे, एक अभी आ रहा था, हम दोनों ने एक दूसरे क्रॉस किया। तो जो ग्रुप वाले थे सब एक दूसरे को जानते थे, सारे IAS IPS और जितने भी सारे बैचमेट उनके, तो बड़ा तगड़ा भारत मिलाप हुआ।
उसके वजह से हम थोड़े लेट भी हो गए। अब मैं फिर से आगे को बढ़ रहा हूँ क्योंकि आगे रास्ते में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो मुझे वहाँ पर वेट करना है ताकि जो पीछे उनको रास्ता बता सकें। और मज़ा आ रहा है आप लोगों को, तो सजेशन नहीं देते कभी आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग सजेशन दें क्या हम नया कर सकते हैं और क्या चीज़ इम्प्रूव की जा सकती है। तो यो पहाड़ी जुड़े रहे। क्या बढ़िया रिवर बह रही है यार, वाह, नहाने की हिम्मत नहीं होना, मैं नहा लेता इसमें। और ये देखिए ऐसे रास्ते में चढ़ना, अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो ग्रुपों के संगम के बाद हमारे पवन दादी मिल गए हमें यहाँ पर। पवन दादी कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया रहा। तो अब पवन दा से मुलाकात हो गई है और बूस्ट अप हो गए हम, अब हम आगे को निकलते हैं। ठीक है पवन दा, चलो भेंट होली पे। बाय, ओके दा, ठीक है दा, प्रणाम। पवन दा से बढ़िया सी मुलाकात होने के बाद अब हम यहाँ से चढ़ गए। कभी भी कोई आए इधर को तो यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजिंग रास्ता है, तो नीचे वाले में नहीं जाना हमेशा ऊपर ऊपर को, क्योंकि अब चढ़ाई में है जो भी ट्रैक है तो उस पर जाना है अपने मस्त करके। चलो हमारे घाट होते हैं घाट पंचक्की, ये देखिए ये भी बढ़ती रास्ते हैं, अब ऐसे रास्ते पार करने हमने। चलिए चलिए शाबाश। नया नवेला पुल बना है और सब उसको पार करेंगे। देखो ये है पुल, ये है टीम, और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, वाह वाह। अब यहाँ से आगे को जाना है हमने। चलो हालत हो गई है अस्त और पस्त इस दा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई चढ़ाई इस दा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना सा ट्रैक बचा है, कितना कर लिया है। तो यो बाट हम जान छू, और आज जो स्टे है वो है जतौली में, तो जतौली यहाँ से 2 किलोमीटर और है, तो अभी और भैया बची चढ़ाई है आगे और लड़ाई है। तो अब 10% रास्ता और बचा है। ये देखिए ये ऐसे पीक्स दिख रही, और ये सामने गांव है जतौली, ग्राम जतौली को हमने जाना है। तो अब वहाँ से पास से दिखाता हूँ आपको पहुँच के कैसा है जतौली गांव। जतौली का ये आखिरी पुल है जतौली पहुँचने के लिए। फिर से प्यारी सी नदी, प्यारा सा मौसम, अरे उत्तराखंड रोड पे 700 मीटर समथिंग हमने और चलना है, फिर गाँव आ जाएगा जतौली, फिर वहीं हम लंच करेंगे, आराम करेंगे। और बाकी बच्चों के टीम मेंबर ये आ रहे हैं, उनको लेकर हम चलेंगे जतौली गांव। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जतौली गांव। जतौली गांव में हमने एंटर कर लिया है। देखिए बहुत खूबसूरत और प्यारा गांव है, हिमालय की गोद में बसा हुआ। चलो हम भी अब चल के रेस्ट करते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने हॉल्ट एरिया पे। आज हमारा यहाँ पर रेस्ट रहेगा, आज कपड़े भी धोने हैं, नहाना भी है, बहुत काम है। 2 दिन हम यहीं रहेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे अगली डेस्टिनेशन को। अब हो रहा है लंच सबका, सब लोग लंच कर रहे हैं, फिर लंच करके पसरे जाएंगे। मैंने तो यार एक दो कपड़े भी धोने। शाबाश। लंच के बाद भाई लोग के कहने पे मैं निकल गया हूँ जतौली गांव को, और काफ़ी अच्छा गांव है, देखिए हरा भरा, और काफ़ी खेतीबाड़ी भी है। लोगों ने देखो गवर्नमेंट की स्कीम्स का भी इस्तेमाल किया है, और यहाँ नेटवर्क कोई नहीं आता है, एक BSNL का नेटवर्क आता है बस। और ये देखिए यह पहाड़ में इतने बड़े बड़े कहाँ देखने को मिलते हैं खेत, हाँ, और इतनी टॉप में। हाँ चलो,